भाई साहब यहाँ देख सकते हो सामने पत्ता गोभी आया है पूरा। अरुण भैया कितने रुपए पत्ता गोभी? तो अभी ना यहाँ से मैंने खरीदा है टमाटर, ये देख सकते हो इधर बोली हो रहा है भाई 320 रुपए। ये देखो गाड़ी का सामान देखो भाई, भैया ऐसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब लोकल आलू खत्म हो गया है, अब चलेगा पहाड़ी आलू। ये जो है 1000 रुपए बोरा है, देखते हैं कितना बिकता है ये आलू अपना। भाई कितना किलो? 2 किलो। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और अभी अपना टाइम हो चुका है भाई मार्केट जाने का सब्जी लाने के लिए। और आज का मौसम आप लोग देख सकते हो यार, पूरा बादल छाया हुआ है भाई, ये देखो। और ना पूरा सुबह सुबह बारिश भी हुआ था भाई, तो देखो पूरा रोड जो है गीला है। और आप लोग बताओ आप लोग की तरफ क्या हाल है मौसम का? तो चलो अभी निकलते हैं अपन मंडी। तो दोस्तों अभी फाइनली पहुंच चुके भाई मंडी, और यहाँ खड़ा किया है मैंने बाइक को, ये देख सकते हो। और सामने देखो अपना ऑटो है, इसी पर सब्जियाँ लेके जाएंगे भाई, जो भी खरीदेंगे उसको मार्केट, क्योंकि बाइक से ले जाने पे ना थोड़ी दिक्कत हो जाता है। तो भाई का ही गाड़ी है अपना सुनील भाई का, तो इसी पे लेके जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हो सामने पत्ता गोभी आया है पूरा गाड़ी पे। अरुण भैया कितने रुपये पत्ता गोभी? 17 रुपये के पर पीस। ये 20 इसमें डालो, ये देख 20 रख लेते भाई। ये एक दिखा दे एक तो बंदा कितना वजन कितना है, वजन देखते भाई इस बंदे का कितना केजी आता है एक तो बंदा। ये देखो 1 किलो 500 ग्राम, 1.5 केजी का है भाई एक बंदा। ये लो भैया बड़ा बड़ा को भरो उसमें, ठीक है 1.5 किलो साइज का है। तो अभी अपना बंधे के साथ हुआ है भाई सब स्टार्टिंग, और यहाँ सामने देख सकते हो भाई कमीशन पे सब्जियों का बोली हो रहा है, फूल गोभी का पता नहीं कितना कट रहा है भाई। किशन भैया क्या क्या जा रहा है यार बोली पे? फूल गोभी 16 रुपये। ये देख सकते हो भाई फूल गोभी का क्वालिटी आप लोग, 16 रुपये केजी जा रहा है, लेकिन इसका क्वालिटी उतना सही नहीं है यार, डाउन है यार, मजेदार नहीं फूल गोभी 16 रुपये। भिंडी कितने जा रहे हैं? 30-35 रुपये भिंडी जा रहा है भाई। ये देखो भिंडी है, मैंने बोली पे खरीदा है मटर, ये देख सकते हो भाई मटर क्वालिटी आप लोग बोरे पे, इसको अपन लिया 25 रुपये केजी पे, 39 केजी। यहाँ से मैंने खरीदा है टमाटर, ये देख सकते हो इधर बोली हो रहा है भाई 320 रुपये कैरेट, कमीशन पे फुल भीड़ लगा हुआ है। और टमाटर ये वाला खरीदा भाई, क्वालिटी देख सकते हो आप लोग 310 रुपये कैरेट पे 2 कैरेट। तो चलो इसको लेके चलते हैं अब यहाँ से वहाँ भाई सामने अपना। तो मैं आया था भाई किसान मार्केट की तरफ, ये देख सकते हो भाई सब किसान लोग अपना अपना सब्जियाँ लेके आए इधर। और इधर से भाई सब मैंने खरीदा है मुनगा, ये देख सकते हो मुनगे का क्वालिटी आप लोग कुछ इस प्रकार से है। ये भाई साहब का इसको मैंने लिया है मुनगा को भाई साहब 25 रुपये केजी पे, 13 किलो है। इधर देख सकते हो भैया जी अपना गाड़ी लोडिंग कर रहे हैं भाई, ये देखो गाड़ी पे सामान देखो भाई फुल वेजिटेबल्स लोड है। आप लोग मेरे को बोलते हैं यार कि आप गाड़ी पे इतना लोड करते हो करके, लेकिन मैं नहीं, जितने भी वेजिटेबल्स रहे हैं ना सब ऐसे लेके जाते हैं भाई, देखो पूरा लोडिंग देखो फुल। नहीं आनंद भाई मेरे को बोलते हैं यार कि इतना लोड करते हो करके, इधर का लोडिंग देख सकते हो गाड़ी पे भाई इतना खतरनाक लोडिंग। भैया ऐसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है? ये एक मजबूरी ही है यार कि अगर मान लो बड़ा गाड़ी नहीं है इसीलिए इस पर लेके जाते हैं, अगर हर किसी के पास ऑटो रहता पिकअप रहता तो उसी से लेके जाते है ना, तो जो सुविधा है उसी पे लेके जाते है भाई। नहीं मनहर भैया ठीक है भैया, ठीक है कि नहीं लोडिंग? मैं भी ले जाता हूँ इसी। आप भी लेके जाते हो तो? अब क्या करोगे भाई, कमाने के लिए तो रिस्क लेना पड़ता है। नहीं मनहर भैया तो? है ना, बगैर रिस्क लिए नहीं बिकता सामान यार, बिगैर रिस्क के कुछ नहीं होता भाई। भाई साहब यहाँ पास देख सकते हो आप लोग आया है लाल भाजी, ये देख सकते हो ये भाई जी का है। कितना पीस है भाई ये? कितना पीस है? 90 पीस है भाई साहब, 200 रुपए बोल रहे भाई साहब का, ठीक है कि नहीं मनहर भाई? ठीक है भैया रख ले। ठीक है कलर भी ठीक है ना? सही है, 20 का 5-6 बिकेगा, बिक जाएगा। नहीं भैया ठीक है कि नहीं इसका क्वालिटी? चल दे दो भाई, ठीक है लेके चलो इसको गाड़ी के पास अपना। ये हो गया लाल भाजी, और प्याज भाजी भी खरीदा है, ये देख सकते हो प्याज भाजी आप लोग, इसको 20 रुपए केजी पे खरीदा है, 15 केजी। तो भाई साहब अभी मैं आया हूँ आलू लेने आलू गोदाम पे, और बहुत दिन बाद यहाँ आया हूँ भाई, लगभग 2-3 महीने बाद, क्योंकि रेड वाला आलू चल रहा था, लोकल तो यहाँ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब लोकल आलू खत्म हो गया है, अब चलेगा पहाड़ी आलू। तो ये देख सकते हो भाई आलू का क्वालिटी आप लोग, ये देखो कुछ इस प्रकार से आलू है। ये जो है 1000 रुपये बोरा है, 50 केजी भर्ती के साथ में भाई साहब, मतलब कि 20 रुपये किलो खरीदी पड़ रहा है आलू जो है। देखते हैं कितना बिकता है ये आलू अपना भाई, चलो निकालते हैं एक बोरा। तो अच्छा अभी जितना वेजिटेबल्स लेना था ले लिया भाई, लेने के बाद ऑटो पे डाल दिया। अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, देख सकते हो मैं प्लस सुनील भाई। और सुनील भैया कैसा चल रहा है? चल रहा है मार्केट ठीक ठाक भाई, ठीक ठाक चल रहा है। मैं तो हफ्ते भर बाद जा रहा हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं आई, मार्केट देख लेते
देखते हैं भाई आज का मार्केट अपना भी कैसा रहता है, बहुत दिन बाद जा रहा है भाई। तो चलो अभी अब आप लोग सीधा मार्केट में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट भाई सब्जी बेचने के लिए। ये देख सकते हो अभी पूरा खाली है बाजार, एकदम सूना है भाई, कोई नहीं आया है, बहुत ही जल्दी आ चुके हैं। और इधर देख सकते हो ऑटो अपना सामान है इसी पर भाई, और उधर सामने अपना जगह है यहाँ, ये देखो यहाँ लगेगा अपना दुकान, जो कि थोड़ा सा गड्ढा हो रखा है यार यहाँ, इसका भी रिपेयरिंग करवाने बोलना पड़ेगा घर वाले को, भैया जी को, क्योंकि इनके घर के सामने लगाते हैं तो इन्हीं को बोलूँगा ना। तो अभी चलो अपन ऑटो से उतारते हैं अपनी सब्जियों को और दुकान लगाते हैं भाई। अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी मेरे दुकान लगा है, बहुत टाइम हो गया भाई, आधा एक घंटा से ऊपर हो चुका है। और अभी देखो कस्टमर भी है, कितना किलो देने चाचा? एक किलो कम होगा, एक किलो टमाटर और सब्जी भी अच्छा खासा था यार। अभी पत्ता गोभी था जो खत्म हो गया, देख सकते हो लाल भाजी बचा हल्का सा, प्याज भाजी बचा है, टमाटर बचा है, मटर आलू सब भी बचा है, देख सकते हो कस्टमर है अभी। कितना किलो? 2 किलो, ये 2 किलो, हाँ किलो लगी भाई बटर, किलो 1 किलो, बीस से कम नहीं भाई, 25 की खरीदी भाई, 5 साल मटर 20, 25 का मटर 20 में देना पड़ रहा है यार। मटर 20 रुपए लगाऊं चाचा, ले जाए यार 20 रुपए, हाँ 40 वाले मटर नहीं है का। मटर 20, टमाटर 15 से कम कर रहा था जी, हाँ एक पाव है, हाँ ये
धनिया 5 रुपए। महंगा के मिर्चा माता अतका मत लूट मोला 10 किलो देख पा 20 रुपए पाव बेचा था 20 रुपए पाव है हां 10 में कहां था 30-40 बहुत ही ज्यादा मोल भाव करते हैं भाई गांव में क्या बताऊं पूरा हालत खराब हो जाता है 25 से खरीदी बढ़ता रे भाई ये गरीब खराब हो 20 में खराब अभी थोड़ा थोड़ा बचे है यार। और सबसे ज्यादा मेरे को ये मटर पे बहुत ही ज्यादा आज लॉस हो गया भाई। 25 में अपन खरीदे थे मटर को, लेकिन 20 में बेचना पड़ रहा है, फिर भी नहीं बिक रहा है और खराब निकल गया ना, इसलिए 20 पे सेल करना पड़ रहा है। इसमें टमाटर चला भाई आलू मटर टमाटर दोस्तों। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी मैंने अपना पूरा वेस्ट पेपर उठा लिया भाई, ये देख सकते हो ये सब कैरेट में वापस भर लिया है। और अभी दोस्तों बारिश स्टार्ट हो चुका है, ये देखो पूरा, तो बारिश के चलते मैंने जल्दी जल्दी पूरा सामान उठाया भाई। और अभी आप लोग देख सकते हो बाकी लोग सब उठा रहे हैं जल्दी जल्दी से, उधर सामने अपना ऑटो वाला भाई सुनील भाई भी उठा रहा है, इधर ये देख सकते हो बगल वाले मामा उठा रहे हैं और सब फटाफट से उठा रहे भाई सामान को। ऐसी अचानक बारिश हो जाता है दिक्कत है। चलो वैसे एक चीज़ अच्छा है भाई कि मार्केट इतना होने के बाद बारिश स्टार्ट हो रहा है, अगर पहले बारिश आ जाता ना तो दिक्कत हो जाता भाई, सब जो इतना सेलिंग हुआ है वो भी शायद सेल ना हो पाता। तो अभी देखते हैं यार कि ये बारिश कब तक रुकता है, फिर उसके बाद ये सबको ऑटो पे लोड करेंगे और निकलेंगे भाई घर के लिए भाई। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 7:30 और अभी मैं मार्केट से घर आ गया भाई, और अभी मैंने अपने ऑटो से पूरा सब्जियों को उतार लिया नीचे। ये देख सकते हैं ये सब बचा वाला है भाई कैरेट्स में, ये अपना मटर बचे है, ये देखो इतना सा मटर है, इसमें है टमाटर और ये नीचे वाले पे आलू है, इस पे है मुनगा और इस साइड अपना प्याज भाजी देख सकते हैं नीचे रखा हुआ प्याज भाजी सब। आज का मार्केट ना मतलब पता नहीं यार मार्केट उतना सही नहीं था भाई, वेजिटेबल्स जो है उतना सही रेट पे सेल नहीं हुआ, बहुत ही कम रेट में सेल कर रहा था, बहुत ही लोवेस्ट मार्जिन पे। जैसे अपन 310 रुपए के रेट पे टमाटर लेके गए थे जिसको 15 रुपए किलो ही बेच रहे थे, प्लस भाई सब आलू जो 20 रुपए किलो खरीद पड़ा था जिसको 25 सेल कर रहा था, फिर लास्ट में 20 रुपए किलो पे भी बेचना पड़ गया आलू को। और भाई सब मटर में सबसे ज्यादा मेरे को लॉस हुआ, मटर जो है अपने 25 का खरीदी था जिसको स्टार्टिंग में 30 बेच रहा था फिर 20 बेच रहा था भाई, लेकिन फिर भी सेल नहीं हो पाया। और मटर जो है ना एक्चुअल में अच्छा नहीं निकला भाई, बहुत सारा मटर जो है खराब निकला, उस वजह से बहुत कम मार्जिन पे सेल करना पड़ा, लेकिन सेल नहीं हुआ यार मटर पे मेरे को, नहीं मैं 250 रुपए का लॉस हुआ होगा मटर पे। तो ये सब जो अपना वेजिटेबल्स था ये था अपना 4020 रुपए का, जिसको मैंने सेल किया है भाई साहब 3200 रुपए, 3200 रुपए का सेल किया है, मतलब कि अभी अपन 800 रुपए के लॉस में चल रहे हैं भाई, लेकिन अभी अपने पास वेजिटेबल्स बाकी है, तो अब बाकी वाला वेजिटेबल्स को मैं लेके चलूंगा सुबह बेचने। तो देखते हैं अब कल सुबह अपन कितने का सेल कर पाते हैं, अपना लॉस रिकवर होता है कि नहीं। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट जरूर करना, चैनल पहली बार आया सब्सक्राइब कर लेना, मिलते फिर एक और नया वीडियो साथ में, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।